एंड uh, बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस मेंटल चैलेंजेस बहुत कुछ था hmm. कई नए दोस्त बने तो कई uh, मुद्दों के लिए खड़ा होना पड़ा एंड अपने आप को बेहतर जान पाई हूँ मैं अब अब आई 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 आउट एंड यू नो सी सम ऑफ नाउर एपिसोड तो मुझे लगता है कि यू नो थिंग्स दैट आई एम प्राउड ऑफ दैट आई विदाउट एनी डेड्रेट बिल्कुल और हमें लग भी नहीं रहा था निशा मतलब मैं तो सीरियसली बोलू आपको एज अ विनर देख रही थी वहां पर क्योंकि हर मुद्दे पे उठना हर हर टास्क में पार्टिसिपेट एक्टिव रहना लोगों के साथ आ, मतलब वन ऑन वन आप बातें भी करते थे बहुत तो क्या कुछ गलत हो गया वहां पे आपको लगा कि किसी और को जाना था और आप चले गए रिचा uh, देखिए जो बातें अभी आपने बोली वही प्यार यू नो यूनानिमसली मैंने कमाया है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में यही है और यही मेरे लिए यू uh, नो you know, एक ट्रॉफी है कि मैंने इतने सारे दिल जीते बाकी बिकॉज uh, ये सीजन वन है तो हमें नहीं पता कि व्हाट इट टेक्स टू बी द विनर यू नो ये शो वन ऑफ इट्स काइंड है ओटी mm -hmm. में एक नया बेंच क्रिएट कर रहा है सो आइडियली आई वुड बिन हैप्पी अगर पायल जाती उस दिन बिकॉज आई थिंक दैट थोड़ा सा टू मच हो गया था वे शी क्रॉस द लॉर्ड ऑफ लाइन्स यू नो सो आई डोंट थिंक की इतनी भी लिमिटलेस होनी चाहिए गंदगी का लेवल इतना लिमिटलेस डेफिनेटली नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नो इट जस्ट मेक्स द गेम वेरी अनहेल्दी बट आई एम वेरी हैप्पी देर एम बैक अब ये एक ऐसे लेवल पे जाने लगा था हिंसा के गंदी बातों केर्नी रही मैंने वो अच्छे से की और अपने दिल से खेला एंड बहुत सारे बॉन्ड्स भी बनाए जैसे की आपने बोला देर वॉज एल ऑफ इमोशनल एंगेजमेंट बहुत सारी गहरी बातें भी हुई एंड यू नो टास्क में मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया सो आई मीन

कावि yeah. से मिलके कैसा लगा निशा क्या रिएक्शन था उनका कावि तो uh, मैं आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्राइब द हैप्पीनेस दैट आई हैड इतने सारे दिन मैं उनसे कभी दूर नहीं रही ना वो मुझसे इतने कभी दूर रहे एंड mm जब -hmm. uh, वो आए मेरे पास एंड यू नो आई मीन ही वाज सो हैप्पी एंड इट्स लाइक like हम सब कुछ भूल गए थे यू you नो know, क्या लॉकअप क्या कहा एंड uh, उस दिन संडे था तो हमने बहुत सारा वक्त आपने क्या क्या किया कितने न्यू वर्ड सीखे बोलना अब थोड़ी तेजी से बोलने लगा आपने वर्ड फॉर्मेशन करने लगा है थोड़ा no. ज्यादा बेटर दिखने लगा है साइकिल no. मिल गई उसको नई जिसके बारे में सबको पता था कि फिफ्टीन को उसको मिलने वाली है सो so,

इक्कीस साल के मेरे करियर में लोगों ने मुझे सिर्फ एज मॉडल एज एन एक्टर देखा um, मैं एक्चुअल रियल लाइफ में क्या हूँ कौन सी बातों पर हंसती हूँ कौन सी बातें मुझे बुरी लगती है कौन सी बातों पर मुझे गुस्सा आता है कौन से मुद्दे आर क्लोज टू माई हार्ट ये सब आप नहीं जान पाते हो अनलेस यू लिव विद अ पर्सन बट इन अ रियलिटी शो लाइक दैट ट्वेंटी फोर सेवन जहाँ पर कैमराज आपके साथ हों और लोग आपका बिहेवियर देखें कि आप दूसरों के साथ अपने को कंटेस्टेंट्स या को कैदियों के साथ कैसे बिहेव कर रही हैं कौन hmm. सी बातें आपको ठीक नहीं लगती हैं या आपका रहन सहन का तरीका क्या है आपकी आदतें क्या हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ज्यादा बेहतर जानने लगते हैं यू नो आई मीन दिस साइड ऑफ मी पीपल डिड नॉट नो एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई कम आउट यू नो इन अ वे दैट पीपल फील कनेक्ट विथ मी एंड डेफिनेटली लोग मुझे ज्यादा बेहतर जान पाए हैं और प्यार मिल रहा है तो ये इसका प्रूफ है कि उन्हें मैं अच्छी लगी हूँ कहीं ना कहीं तो अभी आके जब आप बाहर आई हैं अब लाइफ में कितने चेंजेस दिख रहे हैं जब आप हुँ. पहले बाहर थी और आप आई हैं बाहर कुछ चेंजेस लग रहे हैं और क्या कुछ सोचा है आगे इट फील्स लाइक अ न्यू लाइफ इट फील्स लाइक अ रीबर्थ यू नो बिकॉज अब लोगों से जैसे कनेक्ट हो रहा है चाहे मैं उन्हें रस्ते पर मिलू मॉल्स में मिलू या बिल्डिंग की लिफ्ट में मिलू अः लोग लाइक आई सेड यू नो इन योर अर्लियर क्वेश्चन की जिस तरीके से अब लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं एक ही बात यूनैनिमसली लोग कहते हैं कि हमें अच्छा लगा कि आपने कई मुद्दों के लिए आप खड़ी हुई या जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की चीजें जो रिश्ते आपने बनाए अपने को कंटेस्टेंट्स के साथ तो आई थिंक दैट इज वॉट अगर यू नो वी ऑल नीड इन लाइफ समबडी टू लिसन टू अर समी टू शेयर समबडी टू गाइड अर या समबडी जिसके यू you नो know, साथ हम एक बिल्कुल ही नॉन जजमेंट जोन मर जोन पे अपनी चीजें शेयर कर पाए सो so, um,

और आ, हमेशा कहते हैं हम अच्छे दोस्त हैं बट अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है उनके बीच में तो I'm, I'm happy, it's cute. क्या बात है और निशा ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे टाइम नहीं लूंगी कौन विनर लगता है कौन लगता है कि डिजर्विंग डिजर्विंग आधा आधा ही यू नो सीजन हुआ था मैं जब बाहर आई थी आधा बाकी है बहुत सारे चेंजेस आए हैं लोग धीरे धीरे थक रहे हैं मेंटल गेम से एज वेल एज फिजिकल चैलेंजेस जो उस जेल में है यू नो चाहे वो ठंडी पानी से नहाना हो या फिर एक घंटे में अपना खाना बनाना हो इतने सारे कैदियों के, के लिए या जमीन पर सोना हो तो लोगों का गेम भी चेंज हो रहा है कुछ लोग ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कुछ लोग धीरे धीरे गिवअप कर रहे हैं तो बोलना मुश्किल है कि विनर कौन होगा लेकिन फिलहाल जो मेरी पांच हफ्तों की जर्नी थी उसको देख लगता है कि मुन्वर हो सकते हैं okay, okay. तो अभी आगे कुछ रियलिटी शोज और करने की प्लानिंग्स हैं अगर कुछ ऑफर्स आएंगे तो क्या कुछ एक्सेप्ट करोगे आप अभी इट्स अर्ली बिकॉज अभी अभी तो मैं बाहर आई हूँ चौबीस घंटे जब आपके ऊपर कैमराज होते हैं एंड यू नो एवरी मूव ऑफ योर इज बींग जज्ड आप कैसे खाते हो कैसे उठते हो कैसे बैठते हो कैसे सोते हो <laughs> उसमें भी कैमराज ऑन होते हैं लाइट्स ऑन होती है सो इट वॉज डिफिकल्ट एंड बट then challenges are a part of life. I would love to take it up again. You know, if something nice and interesting comes my way, then I would definitely love to do that. बातें निश्चय। और चलते-चलते आपके अब आप fans बहुत आपको प्यार दिया है आपको uh, during that period। आप क्या बोलना चाहेंगी उनके लिए? वेल well, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि वो हैं तो हम हैं डेफिनेटली और इतना सारा प्यार आई I मीन mean, पता नहीं कहाँ से लाते हो आप लोग तो थैंक यू सो मच एंड कर रही हूँ मुझे आगे भी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए डेफिनेटली देंगे एंड लॉट्स ऑफ लव बैक टू ईच सो मच निशा जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है और कभी हम thank you lots of love back bye yeah, bye bye, bye.